हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम और ऑपरेटर का यूज करके और फॉर लूप में दो वेरिएबल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड ब्लॉक को। हम एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन फाइल, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन फाइल गो टू न्यू एंड एम्प्टी फाइल वी हैव टू टेक। तो एम्प्टी फाइल हमने ले लिया और यहाँ से हमें शुरुआत करनी है include stdio.h। ये हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, देन हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद से यहाँ पर हमें इंट मेन लेना है, इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने और यहाँ पे इंटीजर टाइप की दो वैल्यूज जे आई और जे ले लेता हूँ मैं, पहले आई देन जे। ठीक है, अच्छा अब दो वेरिएबल हमें लेने हैं तो आई की वैल्यू को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 कॉमा देंगे, अभी दूसरा वेरिएबल आना बाकी है, फिर मैं लिखता हूं जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों की वैल्यू को हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का चक्कर खत्म हुआ, ये इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल का, तो यहाँ पे खत्म हो गया ये। अब मैं क्या करता हूँ, आई इज लेस देन, मैंने इक्वल टू नहीं किया, मैंने सिर्फ किया लेस देन। ठीक है, मैं 5 करता हूँ। ठीक है, मैंने 5 किया। अब यहां पर और करेंगे, और ऑपरेटर का यूज किया हमने, आई इज लेस देन 5 और जे इज लेस देन 7। ठीक है, यहां पर 7 कर दिया मैंने। ओके, अब यहां पे आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, यानी कि अब ये भी काम हमारा खत्म हुआ, ये और ऑपरेटर वाला काम खत्म हुआ यहां पे। तो अब इसको भी हमें टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट कैसे होता है, सेमी कॉलन लगाने से। तो टर्मिनेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे i++ दूसरा वेरिएबल क्या है, j++, तो यहाँ j++ भी हमने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये फॉर लूप चलाया। और अब लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाने की जरूरत, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी बना दी हमने और फिर यहाँ प्रिंट एफ लिखा। अब जो प्रिंट करवाना है परसेंट डी, वो हम यहाँ पे दे देंगे, परसेंट डी दे दिया हमने, फिर यहाँ पे देंगे परसेंट डी। ठीक है, और बैक स्लैश एन दे देंगे, इसके बाद कॉमा देंगे और इसके बाद आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। बस इतना ही काम आपको करना है तो ये आपका पूरा हो जाएगा। रिटर्न 0, यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे और हेलो के नाम से मैं सेव कर देता हूं, हेलो डॉट सी। ठीक है, और चलिए अब यहां पे इसको पहले कंपाइल करवाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब इसको रन करवाने की बारी। तो चलिए इसको रन करवा लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि दोनों ये प्रिंट होकर आ रहा है, यहां पे देख सकते हैं। इसके बीच में अगर आपको गैप क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे, यहां पर हम भी यहां से बैक स्लैश एन लगा लेते हैं और अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, और यहां पे जाकर के कंपाइल करवाया हमने और अब इसको रन करवाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा ज्यादा गैपिंग हो गई है इन दोनों के बीच में और ये एक समान रूप से ये गैपिंग हुई है। तो इस तरह से करके हम बैक स्लैश एन को पहले भी और बाद में भी यूज कर सकते हैं और हम और ऑपरेटर का यूज इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हम एंड ऑपरेटर का यूज, दो वेरिएबल्स को लेते हैं तो कैसे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।